हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि पैसिव वॉइस कितने टेंसेस की बनती है। तो पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस की बनती है, जिनमें 8 टेंसेस कौन कौन है। नंबर 1 पर है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, चार में से तीन की पैसिव वॉइस बनेगी, एक की नहीं बनेगी। और वो वाला कौन सा है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगले पास्ट में आ जाइए, तो पास्ट का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी और पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। पास्ट का एक पार्ट है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है और उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो बन और दो पार्ट बचे प्रेजेंट टेंस के, सॉरी फ्यूचर टेंस के, जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पास्ट का पहला पास्ट में जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो पैसिव वॉइस में केवल हमें यही 8 टेंसेस पढ़ने होते हैं, इनको इरेज कर दिया जाए पहले। अब देखिए पैसिव वॉइस बनाने के, यानी किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ जनरल यानी कि सामान्य नियम होते हैं, कुछ जनरल रूल्स होते हैं, वो आपको पता होना जरूरी है। कौन से रूल होते हैं? फर्स्ट नंबर, जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। ये सबसे पहला काम यही है आपका पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जो भी सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करिए और जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में चेंज करिए। दूसरे नंबर पे क्या करना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, लेकिन जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा उसमें जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम, वो हेल्पिंग वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, ना कि सब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा रूल क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, हमेशा वर्ब की, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। नंबर 4, सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करना होता है, सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करो। ये चार जनरल रूल हैं, चाहे कोई भी सेंटेंस हो आठों में से सभी के साथ फॉलो होंगे, ये सभी में यही करना है आपको। देखिए एक्टिव वॉइस में जब भी कोई सेंटेंस लिखा होता है तो वो इस पैटर्न पे लिखा होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब होती है, वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, फर्स्ट हो सकती है, सेकेंड हो सकती है, आईएनजी फॉर्म में हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है।
ठीक है, तो वर्ब की हम फॉर्म नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये पैटर्न है एक्टिव वॉइस का। जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पैटर्न चेंज होगा थोड़ा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो सबसे लास्ट में आ जाता है। इस पैटर्न को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के लाओ और सब्जेक्ट को सबसे बाद में ले जाओ। हेल्पिंग वर्ब लगानी है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। जैसे लिखा है राम राइट्स टू लेटर्स, लिख ले राम राइट्स टू लेटर्स, राम दो पत्र लिखता है। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। क्या लिखे थे सबसे पहले, कि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टू लेटर्स। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे टू लेटर्स, है ना। टू लेटर्स मतलब दो पत्र, तो ये तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर होती है। सिंगुलर यानी एक वचन, सब्जेक्ट जितने होते हैं उनके साथ इज का प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ इसका एम का प्रयोग किया जाता है, और जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट्स होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनके साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। तो टू लेटर्स ये बहुवचन हो गया, इसके साथ में किसका यूज होगा, आर का, टू लेटर्स आर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटन। टू लेटर्स आर रिटन बाई राम, ठीक है ना। इस हिसाब से चेंजिंग होगी पैसिव वॉइस में, इसे नोट कर लेना। अभी हम देखते हैं कि एक पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ प्रोनाउन भी होते हैं जो हमें चेंज करना होता है। एक्टिव वॉइस और इधर है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट जब यूज होता है तो उसे हम पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। ठीक है, ही सी इट आई वी दे और यू हु, ये एक्टिव वॉइस में ही होगा सब्जेक्ट, तो ये पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। और इससे पहले यूज किसका हो जाएगा, बाई का, बाई हिम। ये क्या हो जाएगा, बाई हर, सी, सी को किस में चेंज कर देंगे, बाई हर में। इट को इट ही रखेंगे, आई को क्या कर देंगे, बाई मी, वी को क्या कर देंगे, बाई अस, दे को क्या कर देंगे, बाई देम, यू को बाई यू, और हु को बाई होम। ये प्रोनाउन चेंजिंग है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ही को बाई हिम, सी को बाई हर, इट को बाई इट, आई को बाई मी, वी को बाई अस, दे को बाई देम, और यू को बाई यू, हु को बाई होम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब डिफरेंस क्या हो जाता है एक्टिव और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, हिंदी में समझते हैं। जैसे कोई ट्रांसलेशन लिखा है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये एक्टिव वॉइस में होगा। इसे पैसिव वॉइस में लिखा जाए तो क्या ऐसा नहीं कह सकते इसको, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में क्या लिखोगे,
किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, यानी कि एक्टिवा इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, तो वाक्य का जो हेड होता है वो सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती हैं, तो वाक्य का जो हेड होता है यानी वाक्य में जिसको प्रधानता दी जाती है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पहला टेंस उठा लेते हैं, कौन सा? प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सीखेंगे पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसका रूल भी लिख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या होगा भाई? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी नहीं, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब? इज, आई एम या आर का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं या लगाते हैं या प्रयोग करते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, ये रूल हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस इस रूल पे बनेगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। अगर जो पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट उठा के लिखना है जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, इज लगाना है, आई एम लगाना है या आर लगाना है। सिंगुलर हो तो इज लगाना है, प्लूरल हो, सिंगुलर मतलब एक वचन ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाएंगे वो अगर जो एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे, आई अगर जो आ जाता है तो आई एम का प्रयोग करेंगे, बहुवचन ऑब्जेक्ट बन जाता है तो आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कंप्लीमेंट भी दिया होता है सेंटेंस में, तो अगर जो कंप्लीमेंट है कुछ पूरक है वाक्य में तो उसे बाई सब्जेक्ट से पहले ही लिख देंगे, सबसे लास्ट में क्या आएगा, बाई सब्जेक्ट आएगा। ये हमारा पैटर्न हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज में कुछ एक दो सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस उठाते हैं, राम रीड्स अ पोएम, दे ईट फूड, दो सेंटेंस हमने लिख लिए। अब देखो, पहला सेंटेंस लिखा है राम रीड्स अ पोएम, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? अ पोएम, तो इसको लिखो पहले। पोएम, आ का मतलब हो गया एक, एक कविता, तो एक वचन की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। अ पोएम इज, मार्कर नहीं चल रहा, अ पोएम इज रीड, देखो ऑब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से इज आ गई सहायक क्रिया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, ए पोएम इज रीड, उसके बाद में बाई सब्जेक्ट, बाई राम। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे ईट फूड, अब ये एक्टिवाइज का सेंटेंस है, दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फूड, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? फूड, एक वचन काउंट होगा, फूड हमेशा एक वचन ही होता है, यहां इससे पहले दा लगा सकते हो, दे ईट द फूड, तो द फूड बन जाएगा। द फूड इज, ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन, द फूड इज ईटन बाय, अभी हमने पढ़ा था चेंजेस इन प्रोनाउन में कि दे को किस में बदल देते हैं, देम में, तो ये क्या हो जाएगा? बाय देम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो और ट्रांसलेशन को देखते हैं सेंटेंसेस, इनको इरेज करके। तो दो सेंटेंस देख लिए हमने, तीसरा देखते हैं नेगेटिव का कोई, जैसे लिखा है
डज नॉट लाइक मी। हमने लिख दिया ही डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करता है। तो देखो ही हो गया सब्जेक्ट, डज नॉट अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, लाइक मेन वर्ब हो गई, मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। मी जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, एम, आई एम। और ये निगेटिव है एक्टिवाइज का सेंटेंस, तो पैसिवाइज भी निगेटिव में बनेगा, आई एम नॉट। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लाइक्ड, आई एम नॉट लाइक्ड बाई ही को हिम में। फोन नंबर देखते हैं, डज सी नॉट मेक टी। ये इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब पहले है, जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और सिंगल टाइप का होता है, यानी ऐसे वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है। तो जब एक्टिव वाइस वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वाइस सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है, सी डज नॉट मेक टी, वह चाय नहीं बनाती है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया टी, टी ऑब्जेक्ट है। अब देख रहे हैं टी एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है ना, चाय हमेशा एक वचन होगी, तो इससे पहले ऑब्जेक्ट से पहले ही हमको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है क्योंकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है, तो इज टी उसके बाद में लिखेंगे नॉट। ठीक है, अब क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। इज टी नॉट मेड बाय सी को चेंज करना है हर में। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नंबर फाइव ले लेते हैं, हु टीच यू, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो हु को हमने लिखा था बाय होम में, हु यहाँ पे दो काम कर रहा है इस सेंटेंस में, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। हु क्या है, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द है, साथ साथ में इसका दूसरा रोल है, ये दूसरा काम क्या कर रहा है कि बाकी का सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट होने के नाते इसे लास्ट में होना चाहिए था और क्वेश्चन वर्ड होने के नाते इसे एट द फर्स्ट पहले लिखना चाहिए था, इसे पहले लिखा गया और इसी के साथ में, क्योंकि काम करने वाला यही व्यक्ति है हु, तो इसी के साथ में किसका यूज होगा बाई का, तो ये हमने लिख लिया बाई होम। अब देखना है हमको ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट क्या है पता है हमको, यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यू। यू हमारा बहुवचन ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे क्योंकि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, बाय होम आर यू। अब थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टाट, TAUGHT, टाट, बाय होम आर यू टाट। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर, व्हेन डू आई रीड अ नॉवेल, अगला सेंटेंस, व्हेन डू आई रीड अ नॉवेल, मैं एक उपन्यास का पढ़ता हूँ, तो जो भी हु के अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसे सेम टू सेम लिखा जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, व्हेन व्हेन लिखा है व्हेन लिख दीजिए पैसिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनना है। ठीक है, व्हेन व्हेन। अब इसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए नॉवेल, तो ए नॉवेल, ए का मतलब एक हो गया, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखिए, व्हेन ए नॉवेल, व्हेन इज अ नॉवेल, हेल्पिंग वर्ब पहले लग गई, तो अब किसका नंबर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो वर्ब क्या है यहाँ पे रीड है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, व्हेन इज अ नॉवेल रीड बाय, व्हेन इज अ नॉवेल रीड बाय आई का मी, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्हेन इज अ नॉवेल रीड बाय मी, तो हमने कितने कर लिए, सिक्स सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिए। आगे देखते हैं सेवन नंबर, टीचर रीड्स
न्यूज पेपर, टीचर रीड्स न्यूज पेपर, अध्यापक महोदय समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो जब इसे अफर्मेटिव में लिखा हमने, साधारण वाक्य है, जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, न्यूज पेपर। अच्छा, न्यूज पेपर सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, न्यूज पेपर हमेशा एक वचन होता है, तो न्यूज पेपर क्या करोगे, इज, न्यूज पेपर इज। रीड की थर्ड फॉर्म की क्या होगी, रीड, बाई सब्जेक्ट क्या है, टीचर, न्यूज पेपर इज रीड बाई टीचर। एट नंबर आई लर्न अ पोयम, आई लर्न अ पोयम, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, अ पोयम। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या उठा उठा के लाओ, ए पोयम, एक वचन है, इज, ए पोयम इज। लर्न की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या हो गई, लर्नट बाई मी। आठ, नौ और दस, 9 एंड 10। 9 नंबर हम लिख रहे हैं, माई फ्रेंड्स डू नॉट प्ले